अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका जो विंडोज 11 है वो दौड़ेगा नहीं भागेगा, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सारू और प्रौद्योगिकी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मेरा मतलब है दोस्तों टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। राइट, मजाक से हटके इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 11 के बारे में कुछ ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे फंक्शंस बताने वाला हूं जो आपको अपने विंडोज 11 सिस्टम में अभी के अभी बंद कर देनी चाहिए, टर्न ऑफ कर देनी चाहिए। नंबर वन, नोटिफिकेशन। आप सभी लोगों को पता है विंडोज में कई बार आपको कुछ ऐसे अननोइंग नोटिफिकेशन आते रहते हैं और ये नोटिफिकेशन हमारे किस काम की नहीं होती और बार बार आपको नोटिफिकेशन आने से आप बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो जाते हो। सो आपको क्या करना है, इन नोटिफिकेशन को आपको क्या करना है, खत्म, टाटा, बाय बाय। सो नोटिफिकेशन ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है, सिस्टम पे जाना है, उसके बाद वहां पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे नोटिफिकेशन को ऑफ करने का। तो यहां पर आके सिंपली आप इन सभी के नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, उन्हीं नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करना है जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको सारी की जरूरत नहीं है तो सभी ऑफ कर दो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का मुझे कोई यूज नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट को मैंने ऑफ कर दिया है। दूसरी सेटिंग है दोस्तों गेम मोड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली गेमर्स के लिए जो आप अपने लैपटॉप सिस्टम में गेम्स खेलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर आप सिस्टम में गेम नहीं खेलते हो तो ऐसे में इस ऑप्शन को ऑफ कर देना ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में गेम खेलते हो तो इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना चाहिए। ये जो गेम मोड है बेसिकली करता क्या है, अगर आप सिस्टम में कोई भी गेम खेलते हो तो बैकग्राउंड में ये जो सेटिंग है ऑटोमेटिकली एप्स को किल कर देता है, तो गेमिंग करते वक्त ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। सो विंडोज 11 में गेम मोड को ऑन या फिर ऑफ कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, वहां पर आपको एक गेमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक गेम मोड मिल जाएगा और गेम मोड में आके यहां पर आप सिंपली इस ऑप्शन को टर्न ऑफ या फिर टर्न ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है स्टोरेज सेंस। ये जो सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है और हर विंडोज यूजर को जरूर पता होनी चाहिए। ये फीचर बेसिकली करता क्या है, आपके सिस्टम के स्टोरेज को मॉनिटर करता है और आपके सिस्टम में दोस्तों जितने भी अनवांटेड फाइल है, टेम्प्रेरी फाइल है, जिनका कोई यूज नहीं है, उन सभी को दोस्तों यूज ना होने पर ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। जिनकी वजह से हमारे जो सिस्टम है परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, उन सभी को ये दोस्तों ऑटोमेटिकली खलास कर देता है, एकदम खलास। So, इसे ऑन या फिर ऑफ करना बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है, वहां पर आपको सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में नीचे की साइड में आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और वहां पर दोस्तों आपको स्टोरेज सेंस का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको ऑन कर देना है। बाय डिफॉल्ट अगर ये सेटिंग ऑन है तो अच्छी बात है, खुशी मनाओ, लेकिन ऑन नहीं है तो अभी के अभी इसे ऑन करो। नेक्स्ट, विजुअल इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। मैं दोस्तों आपको बता दूं विजुअल इफेक्ट को दोस्तों आप थोड़ा सा कंट्रोल करके, थोड़ा सा सेटिंग करके, कुछ फंक्शन को ऑफ करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सकते हो। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। मजा आएगा ना भिड़ो। सिंपल मैं कहूं तो आप अपने विंडोज सिस्टम में विजुअल इफेक्ट के लिए दोस्तों एक बेस्ट परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर सकते हो और ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। खुद ही कर लो। आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है स्टार्ट मेन्यू प्रेस करके एडवांस। जैसे आप एडवांस टाइप करोगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है और जो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एडवांस के अंदर सेटिंग्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहां पर आके आपको सिलेक्ट करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस और इसमें आपको ये दो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एक है शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन और दूसरा है स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, और उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो सिस्टम है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से विजुअल इफेक्ट के लिए एक बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा जो भी उसके हिसाब से है, जिससे दोस्तों जो विजुअल इफेक्ट है वो थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे एंड डेफिनेटली इससे दोस्तों आपके सिस्टम में दोस्तों परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जी हाँ, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, और वो है दोस्तों स्टार्टअप एप्स। आपको शायद पता होगा अगर आप थोड़े से भी प्रो हो, जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो आपके सिस्टम में कुछ ऐसे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं या फिर आपने कुछ ऐसे इंस्टॉल किए हुए एप्स होते हैं जो स्टार्टअप होने पे ही ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। देखा जाए तो इन स्टार्टअप एप्स की आपको एक्चुअली में कोई भी जरूरत नहीं होती है और स्टार्टिंग में ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम है, विंडोज सिस्टम है, वो स्लो ऑन होता है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ऐसे में आप उन स्टार्टअप एप्स को डिसेबल यानी कि बंद कर सकते हो और आपको कर भी देना चाहिए। इसे डिसेबल करना बहुत ही आसान है, आपको सिंपल सा शॉर्टकट अपनाना है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन एक साथ दबा दीजिए, उसके बाद यहां पर टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको एक स्टार्टअप का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आके आप स्टार्टअप पे, फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर आप दे सकते हो, मेरे लिए दोस्तों जो ओपेरा
ब्राउजर असिस्टेंट है ये काम करने, तो आप इसे सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। सेम इसी तरह दोस्तों स्काइप का मुझे कोई यूज नहीं है, तो राइट क्लिक करके इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टअप में जितने भी एप्स दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि ये एप्स स्टार्टिंग में यूज होने पे हमारे कोई काम की नहीं, तो उन्हें आपको ऑफ कर देना चाहिए। ट्रस्ट मी, इससे आपका सिस्टम काफी फास्ट ऑन होगा और काफी जल्दी बूट होगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और खुश रहो, आबाद रहो। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर एंड स्टे सेफ।